जय हिंद साथियों, आज के इस क्रांतिकारी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसा लगता है कि जो अंदर दिल से ये बात होती थी ना कि हमारे स्वाभिमान के प्रतीक, हमारे आन बान शान और ऐसे व्यक्ति जिसका नाम आते ही हमारे अंदर वो स्वाभिमान जग उठता है, हमारे अंदर वो अभिमान अपनी मातृभूमि के लिए जग उठता है। नाम क्या है? महाराणा प्रताप। बार बार इतिहास में हम लोग ये पढ़ाते थे कि महाराणा प्रताप अकबर से पराजित हो गए थे। ये बोलने में भी सही नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, क्वेश्चंस की बात थी कि बच्चों का क्वेश्चन गलत ना हो जाए, लेकिन अंदर से ये बात जरूर था कि नहीं, उस जंगे मैदान में महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे होंगे, अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा होगा। आज मैं उसी टॉपिक को आपके बीच में लेके आया हूं और आज मतलब चीजें क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो गई है, चीजें क्लियर होना शुरू हो गई है। और यहां पे मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि वो जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, उस हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप नहीं बल्कि अकबर की सेना पीछे हटी थी। अंदर से वो खुशी भी है, अंदर से वो मतलब नहीं होता है कि महाराणा प्रताप के प्रति जो समर्पण है हम लोगों का, वो अंदर से उबाल भर रहा है, लगता है कि मैं यही चीज पढ़ाना चाहता था। कभी भी मैं जब टॉपिक को पढ़ाता था, मैं ये नहीं बोलना चाहता था कि महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे। मैं हमेशा बोलना चाहता था कि मेरा बब्बर शेर वो पराजित नहीं हो सकता था, वो पराजित करने वालों में से था। अब जो शोध हुए हैं, जो इतिहासकारों की बात है, उनके आधार पे कौन सी आपकी बातें हैं, उसको आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, चर्चा क्या होती है बार बार हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी की बात करते हैं तो हल्दी घाटी जहां पे आपका हुआ था, वहां पे बहुत सारे आपकी पट्टिकाएं लगाई गई हैं। जैसे आप लाल किला में जाइएगा, ताजमहल में जाइएगा, तो वहां पे पट्टिका मिलेगा जो उसके बारे में आपको बताती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देख लीजिए आप लोग कि जो महाराणा प्रताप का आपका ये कौन था भाई, घोड़ा चेतक। उस चेतक ने कैसे मान सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने घोड़े के उनके आंख के सामने उन्होंने उड़ा दिया था। उस चेतक की बहादुरी और महाराणा प्रताप की वो शेर वाली छवि आज भी हमारे दिल में एकदम बब्बर शेर की तरह दहाड़ती है। और आज देखिए हल्दी घाटी में जितनी भी आपकी विवादास्पद जो आपकी जो जितनी भी कंट्रोवर्शियल जो पट्टिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें इस बात की चर्चा करी गई थी कि महाराणा प्रताप आपके पीछे हट गए थे, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, अब उसमें चेंजेज होगा भाई। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जब हल्दी घाटी के युद्ध स्थल पे जब वो गई थी, तो वहां पे जो पट्टिकाएं लगी गई थी, उस पट्टिकाओं में यही जानकारी दी गई थी कि महाराणा प्रताप आपके पीछे हट गए थे। लेकिन अब उन सारी पट्टिकाओं को हटाया जाएगा और जितने भी राजस्थान सरकार की बात करें, वहां के शिक्षा मंत्री की बात करें, वहां के आपके एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जोधपुर का, उसकी बात करें, तो उन सभी का मानना है कि इंफॉर्मेशन गलत है और अभी तक इसको गलत पढ़ाया जा रहा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको सभी किताबों में सही करना पड़ेगा। तो सही क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा हम विवाद को भी देख लेते। तो हल्दी घाटी में जितनी भी आपकी पट्टिकाएं लगी गई हैं, हल्दी घाटी आपको पता है ना कि हल्दी घाटी क्या था, वो युद्ध का मैदान जहां पे आपके महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में भिड़ंत हुआ था। तो हल्दी घाटी में लगी उन सभी विवादास्पद पट्टिकाओं यानी बोर्ड को हटाया जाएगा, खुश हो जाओ, जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में कदम पीछे खींचे जाने की गलत जानकारी दी गई है। यानी वो सारी की सारी पट्टिकाएं हटाई जाएंगी उस युद्ध स्थल से, उस जगह से कि जिसमें यह बात बताई गई कि महाराणा प्रताप आपके पीछे हटे थे, उन सभी पट्टिकाओं को हटाया जाएगा। एएसआई की ओर से जानकारी के साथ पट्टिकाएं लगवाई जाएंगी, सही जानकारी के साथ, आपके नई जानकारी के साथ, यानी जितनी भी पुरानी पट्टिकाएं जो वहां पे लगी है जिसमें महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात है, सबको हटा के वहां पे नई पट्टिकाएं लगाई जाएंगी जिसमें आपकी नई जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा था, वो डिसीजिव रहा था, यह बात सही है, निर्णायक रहा था, यानी वो भी सेना ये भी सेना दोनों ने अपनी मतलब मजबूत तरीके से अपने पक्षों को रखा, लेकिन इसमें मुगल शासक अकबर सेना को कदम पीछे हटाने पड़े थे। इस बात की चर्चा आप नई पट्टिका में होगी।
यानी जो वहां पे पट्टिका लगेगी एएसआई की तरफ से, जो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो पट्टिकाएं लगाई जाएंगी उसमें नई जानकारी यह होगी कि भाई ये हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा था, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप नहीं बल्कि अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इसका मतलब क्या हो गया कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप नहीं हारे थे बल्कि उन्होंने अकबर की सेना को पराजित किया था। यह बात यहां पर अब डिस्कस होगा। आपने बोला कि सही बात है भैया, ये पूरी बात, ये तो अच्छी बात है। हमने बोला कि जी, जो एएसआई जोधपुर सर्किल के जो अधीक्षक हैं, उनका नाम है बिपिन चंद्र नेगी, उन्होंने बताया कि जो रक्त लाई और बादशाही बाग में हल्दीघाट युद्ध से बहुत सारे आपके शिलापट लगे हुए हैं, इनको राजस्थान पर्यटन निगम की ओर से करीब आपके 40 साल पहले लगाया गया था। ये सारी की सारी पट्टिकाएं जो पहले आपकी लगी थी सबको अब हटाया जाएगा। हालांकि ये जो कदम हम लोग ले रहे हैं, ये कदम उठाने से पहले इसके इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों के ऊपर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और सही कदम उठाएंगे और एक एक चीजों के ऊपर रिसर्च करके तब हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे। ये बात यहां पे चर्चा करी गई है, तो समझ गए ना आप लोग। अब देखो, अगर हम बात करें इस विवाद की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम हल्दी घाटी की बात करते हैं तो ये वाला प्लेस था जहां पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में आपकी लड़ाई हुई थी। अब इसके मजबूत पक्ष की बात करें तो एक इतिहासकार है जो इसके ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे हैं, जो इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा रिसर्च कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा। उनका नाम क्या बेटा? प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा। उन्होंने जो रिसर्च किया है, उनकी जो आपकी रिसर्च है, उनकी जो शोध है, उसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप आपके विजयी रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर अपने रिसर्च में लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, अकबर की सेना पीछे हटी थी। लेकिन किताबों में या जब भी हम या कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उसमें बोलता है कि महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे, लेकिन अब उसको ठीक किया जाएगा, अब उसको सही पढ़ाया जाएगा। और उन्होंने अपने तर्क के रूप में क्या बोला कि ऐसे ही उन्होंने नहीं बोल दिया, उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने बोला कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें एक तरफ अकबर की सेना जिसका नेतृत्व आसफ खान और मानसिंह कर रहे थे और दूसरी तरफ आपके कौन थे? आपके राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और उनके साथ आपके अफगानी छोटे छोटे दल थे और साथ ही साथ उनके अन्य आपके वीर सैनिक थे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था 18 जून 1576 को हुआ था, जबकि ये जो पर्यटन आपके निगम है उसकी ओर से जो पट्टिकाएं लगाई गई है उसमें 21 जून की चर्चा करी गई है। उसमें किसकी चर्चा करी गई है? 21 जून की। इसका मतलब क्या है कि हल्दी घाटी के बारे में सही जानकारी वहां पर नहीं दी गई है। युद्ध हुआ था 18 जून को और लिखा गया 21 जून को। इससे साबित होता है कि उनकी ओर से जो दी गई जानकारी है वो गलत है। इसका मतलब क्या है कि हम तर्क के आधार पे बात करें तो तर्क के आधार पे भी इस बात को समझ रहे हैं और जो रियलिटी है उस बात को भी समझ रहे हैं, और अभी तक जो आपकी किताबों में पढ़ाया जा रहा है उसको जल्दी आपको सही करने की कोशिश करी जा रही है। और एएसआई के तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वहां की सारी पट्टिकाओं को हटा के वहां पे नई जानकारी दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप नहीं बल्कि अकबर की सेना आपके पीछे हटी थी। तो हमारे लिए शान की बात, यह हमारे लिए गर्व की बात और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज था। इसको मैंने आपके बीच में रखा है। जो भी बच्चा जो महाराणा प्रताप से प्रेम करता होगा पूरे भारत में इस न्यूज को फैला दीजिए। एक एक बच्चे, एक एक शख्स, एक व्यक्ति और एक एक इंसान तक ये न्यूज जाना चाहिए और उसको सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि न्यूज आपको कैसा लगा, यह बात आपको कैसी लगी, पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आप जरूर हमें बताइएगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था, वो महाराणा प्रताप अगर ये पट्टिका लग जाएगी तो अमर हो जाएंगे और शान से हम लोग उनको याद करेंगे और दिल में पहले से भी जगह है और दुगुना 10 गुना ज्यादा उत्साह के साथ हम लोग हमेशा जब पढ़ाएंगे तो इस बात की जिक्र करेंगे कि महाराणा प्रताप हारे नहीं जीते थे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जरूर अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।